Dear students, as we have already discussed the theme based on social aspects, now this poem which we are going to start today is Keeping Quiet by Pablo Neruda, in which the poet urges the mankind to keep quiet in order to bring about peace and harmony among themselves. इस पोएम में पोएट लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वे लोग कुछ देर के लिए शांत रहें, जिससे एक दूसरे के बीच शांति बनी रहे और सब आपस में मिलजुल कर रह सकें. इन दिस पोएट द पोएट अपील्स द मैनकाइंड टू रिमेन क्वाइट. ही वॉन्ट्स अस टू काउंट अप टू 12, बट वी हैव not to talk with each other and not make any movement. It is a kind of experiment which we have to do on ourselves. Even he wants the fishermen not to harm whales, and people who got hurt should take care of his hands. The moment would be strange, where there will be no rush, no voice, and machines should also be stopped for a moment. It means everything should be stopped or remain silent. All kinds of war should be stopped at once. The people should not harm environment. Those who are always ready to fight with each other results in nothingness, because there is no one survivor for enjoying the victory. It is better for everyone to move with each other and have a feeling of brotherhood with among themselves. यहाँ poet अपील कर रहे हैं कि वो सबसे मिलकर एक साथ खड़े हों, लेकिन कोई किसी से ना तो बोलेगा और ना ही किसी तरह का कोई movement होगा, बल्कि सब एक जगह खड़े होंगे. हालांकि बिल्कुल वो फिशरमैन के लिए भी ये कहते हैं, अपील करते हैं कि जो वो मछलियां पकड़ते हैं वो उनको भी ना पकड़ें, और जिन लोगों के हाथ नमक को निकालते निकालते ज़ख्मी हो जाते हैं वो अपना और अपने हाथों का ध्यान रखें. कोई एक दूसरे से लड़े झगड़े नहीं, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो या फिर कोई ऐसा सिचुएशन ना क्रिएट हो जिसमें कोई ज़िंदा ही ना बचे. इन सब चीज़ों को छोड़कर हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए. द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे दैट ही डज नॉट वॉन्ट दैट नो वन शुड टॉक टू ईच अदर, बट लाइफ इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड, सो एवरी वन हैज़ अ राइट टू लिव हैप्पीली. The man should not create the situation where a man has to face death. We should not be selfish if we are living our life happily. Let other also to live their own life in their same way. One should not interfere in anyone's life. This silence may be helpful for us, and at this particular moment one should be able to think that the situation depends on man, that how and what they wants to create in front of each other. Then they would be able to understand the situation in which they are now is better or the other when they fought with each other or try to kill each other. The earth on which we live seems to have deadly environment, but later on it will be the best choice for us. And at last the poet asks the readers to follow this silence so that they could have a mutual understanding among each other and no mishappening should be done in future. तो यहाँ पर जब पोएट कंक्लूजन निकालते हैं उसका मतलब ये है कि पहले उन्होंने अपनी बात को रखा कि मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ कि कुछ देर तक शांति बनाए रखें, कोई एक्टिविटी नहीं होगी जिससे कि
जब कोई एक्टिविटी नहीं होगी इट मींस कि वो किसी तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि लोग, हर इंसान अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिए, किसी से कोई गलत ना करें, किसी के पीछे कोई जेलस ना हो या किसी से कोई इस तरह की बात ना हो जो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हों और हम एक दूसरे के साथ में लड़ें झगड़ें और मर मिटें। तो जिस जगह पर हम रहते हैं, जिस अर्थ पर हम रहते हैं, तो इस पर जितने भी रहने वाले लोग हैं उन सभी का राइट है कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं। लास्ट में पोएट ने रीडर्स से यही अपील की है कि अब हमें काउंट करना है और हमें वही फॉलो करना है जिस तरीके से पोएट ने इमेजिन किया है, शायद इस तरीके से कुछ चेंजेस आ सकते हैं। लास्ट में बस यही कंक्लूजन निकलता है कि आपस में अगर हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स को एक दूसरे को सोचेंगे, समझेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, फीलिंग्स को समझेंगे, इमोशंस को समझेंगे, तो शायद ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं हमारे सामने वो नहीं होंगी और हम एक ब्रदरहुड की फीलिंग के साथ में एक दूसरे के साथ खुशी से रह सकते हैं। This is all about the poem and watch the videos carefully, subscribe the channel, share and like the videos. Thank you.